दोस्तों इंश्योरेंस गुरु चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं दो प्लान्स का कंपैरिजन। पहला प्लान है सिंपल एंडाउमेंट प्लान टेबल नंबर 914 तथा दूसरा प्लान है जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 933। अब हम दोनों प्लान का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। 914 नंबर प्लान में कम से कम उम्र है 8 साल, जीवन लक्ष्य में कम से कम उम्र है 18 साल। 914 नंबर प्लान में अधिक से अधिक उम्र है 55 साल, जीवन लक्ष्य में अधिक से अधिक उम्र है 50 साल। टेबल नंबर 914 माइनर को दी जा सकती है, जबकि 933 नंबर प्लान माइनर को नहीं दिया जा सकता है, जबकि दोनों ही एंडोमेंट प्लान्स हैं। प्लान 914 में कम से कम टर्म है 12 साल, जबकि जीवन लक्ष्य में कम से कम टर्म 13 साल है। प्लान 914 में अधिक से अधिक टर्म है 35 साल, जबकि जीवन लक्ष्य में अधिक से अधिक टर्म 25 साल है। प्लान 914 में टर्म के बराबर ही प्रीमियम भरना होगा। जीवन लक्ष्य में प्रीमियम टर्म से 3 साल कम भरना होता है। अब हम देखते हैं इसमें कितना रिस्क कवर लिया जा सकता है। दोनों ही प्लान्स में मिनिमम सम अश्योर्ड 1 लाख ही है, मगर उससे अधिक 914 नंबर प्लान में 5,000 के मल्टीपल में तथा जीवन लक्ष्य में 10,000 के मल्टीपल में ही पॉलिसी ली जा सकती है। दोनों ही प्लान्स में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली तथा मंथली मोड है। मंथली मोड में नाच या सैलरी सेविंग स्कीम से ही लिया जा सकता है। अब हम देखते हैं मैच्योरिटी पर इन प्लान्स में क्या मिलेगा। पॉलिसी टर्म पूरा होने पर सम अश्योर्ड पूरे टर्म के बोनस तथा फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। फाइनल एडिशन बोनस सिर्फ 15 साल या अधिक टर्म पर ही मिलता है। अब हम देखते हैं कि पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को क्या क्या मिलेगा। प्लान नंबर 914 में मृत्यु होते ही तुरंत सम अश्योर्ड वेस्टेड बोनस तथा फाइनल एडिशन बोनस दे दिया जाएगा। जीवन लक्ष्य प्लान में मृत्यु होते ही प्रीमियम माफ कर दिया जाएगा। पॉलिसी चलती रहेगी, उसके बाद हर पॉलिसी एनिवर्सरी पर सम अश्योर्ड का 10% नॉमिनी को दिया जाएगा, जो मैच्योरिटी टर्म तक मिलता रहेगा। मैच्योरिटी पर फुल मैच्योरिटी 10% एक्स्ट्रा सम अश्योर्ड के साथ दी जाएगी। अगर कोई राइडर दिया हुआ है तो उसका सम अश्योर्ड भी दोनों प्लान्स में तुरंत दे दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रीमियम का क्या कंपैरिजन रहेगा। मान लीजिए मिस्टर राजेश, जिनकी उम्र 35 साल है, वो अपनी बेटी की शादी के लिए 25 साल का प्लान लेना चाहते हैं, जिसके लिए 8 लाख का सम अश्योर्ड अगर प्लान 914 में लिया जाए तो साल का प्रीमियम 32,492 रुपए देना होगा, हाफ ईयरली 16,420 रुपए तथा मंथली 2,766 रुपए जाएगा। अगर पूरी पॉलिसी में देखें तो कुल 7,95,524 रुपए प्रीमियम जाएगा। अगर यही 25 साल का प्लान जीवन लक्ष्य लिया जाए तो 25 साल के लिए 22 साल प्रीमियम भरना होगा। 8 लाख सम अश्योर्ड के लिए साल का 36,222 रुपए प्रीमियम जाएगा, हाफ ईयरली 18,304 रुपए, मंथली 3,083 रुपए जाएगा। 22 साल में कुल 7,80,504 रुपए जाएंगे। इसका मतलब है दोनों के प्रीमियम लगभग बराबर है। अगर इस पॉलिसी में क्लाइंट की मृत्यु हो जाती है तो प्लान 914 में 8 लाख तथा बोनस दे दिया जाएगा, पॉलिसी वही खत्म हो जाएगी, मगर जीवन लक्ष्य में आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे तथा साथ में हर साल सम अश्योर्ड का 10% यानी कि 80,000 साल के भी नॉमिनी को मिलना शुरू हो जाएगा। अंत में पॉलिसी टर्म पूरा होने पर पूरी मैच्योरिटी भी दी जाएगी, यानी 8 लाख सम अश्योर्ड तथा बोनस मिलकर लगभग 21,60,000 रुपए दिए जाएंगे। यह 2021 के बोनस रेट पर आधारित है। क्लेम की राशि सम अश्योर्ड तथा अन्य शर्तों पर आधारित होती है। इन प्लान्स में राइडर भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल राइडर, टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, प्रीमियम वेवर, बेनिफिट राइडर। टेबल नंबर 914 में अगर पॉलिसी माइनर लाइफ पर ली जाए तो प्रोपोजर अपने लिए प्रीमियम वेवर ऑप्शन ले सकता है। अगर प्रोपोजर की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे की 25 साल की उम्र तक के प्रीमियम माफ कर दिए जाएंगे। जीवन लक्ष्य में लाइफ अश्योर्ड की डेथ के बाद प्रीमियम माफ होना पॉलिसी का ही उपलब्ध लाभ है। क्लेम होने पर राइडर के लाभ तुरंत दे दिए जाएंगे। इसलिए दोस्तों प्लान लेने से पहले प्लान की तुलना कर लें, जो आपके लिए सबसे उचित प्लान लगे वही लें। बीमा बहुत जरूरी है, देर न करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमें अपने सुझाव दें। धन्यवाद। जय हिंद।